नमस्कार। भिवानी हलचल देखने वाले सभी दर्शकों का खबरों के संग में स्वागत है। सबसे पहले आप सब के लिए एक सूचना, भिवानी हलचल चैनल आपके लिए है, आपके साथ है। यदि आपके आसपास किसी भी तरह की कोई पब्लिक प्रॉब्लम है तो समस्या के लिए आप भिवानी हलचल के जन प्रतिनिधि से 7056 7056 99 पर संपर्क कर सकते हैं। हम आपकी आवाज बन आपकी समस्या के समाधान की कोशिश करेंगे। बुधवार को 41 कोरोना पॉजिटिव हुए ठीक, आए 5 नए कोरोना पॉजिटिव। अब लठियावाला जोहट बनेगा आधुनिक धार्मिक स्थल, 1 करोड़ की लागत से दिया जाएगा इसे नया लुक। सिविल सर्जन ने शहरवासियों को किया जागरूक, जिले में कंट्रोल में है डेंगू और मलेरिया की स्थिति का सिविल सर्जन ने। नगर परिषद में सर्वर ठप होने से जनता हुई परेशान। चल रहे बर्खास्त पीटीआई धरने में आया नया मोड़, मुख्यमंत्री द्वारा मामले में संज्ञान लिए जाने के बाद पीटीआई को दिखी राहत की नजर। तो शाम बाईपास बरसाती नाले की हालत खस्ता, दे रहा है बीमारियों को न्योता। कांग्रेस सड़कों पर है, कहा कृषि मंत्री ने। आइए अब खबरें विस्तार से। बुधवार को भिवानी में जहां 41 कोरोना पॉजिटिव ठीक हुए, वहीं दोपहर तक 5 नए कोरोना पॉजिटिव केसेस सामने आए। इस तरह से यहां अब तक आए 2991 कोरोना पॉजिटिव केसेस में से 2692 ठीक हो चुके हैं और अब 262 एक्टिव केसेस बचे हैं। वहीं खबर लिखे जाने तक स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा 850 सैंपल्स लेकर जांच के लिए भेजे गए। जिले में बुधवार को खबर लिखे जाने तक 5 नए कोरोना पॉजिटिव केस सामने आए, जिनमें से एक गांव मानेरू से, एक वार्ड नंबर 7 बलियाली, एक तो शाम, एक गांव बीरन तथा एक वार्ड नंबर 11 लोहारू से है। अब तक जिले में कुल 2991 कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं, जिनमें से 2692 ठीक भी हो चुके हैं। अब जिले में कोरोना के 262 एक्टिव केस है और खबर लिखे जाने तक बुधवार को जिले से 850 सैंपल लिए जा चुके थे। वहीं जिले में बुधवार को 41 कोरोना पॉजिटिव ठीक भी हुए। भिवानी में लठियावाला जोहड़ क्षेत्र में भव्य पर्यटन स्थल बनाने की मुहिम शुरू हो चुकी है। करीबन 100 साल पुराने इस स्थान को धार्मिक स्थान में तब्दील करने के लिए 1 करोड़ रुपए की लागत का अनुमान है। इसके निर्माण के लिए पूरा नक्शा बनकर तैयार हो चुका है, जिसमें चारों तरफ फल व छायादार वृक्ष लगाने का प्रोविजन भी है। करीबन 100 साल पुराने लठियावाला जोहड़ को आधुनिक धार्मिक स्थल बनाने का कार्य शुरू हो गया है। इसका नक्शा बनकर तैयार हो चुका है और इसके निर्माण कार्य पर तकरीबन 1 करोड़ की लागत आएगी। प्राप्त जानकारी के अनुसार इसके एक तरफ महिलाओं के स्नान के लिए अलग से 20 बाथरूम बनाए जाएंगे, वहीं जोहड़ के बीच में फवारा भी लगाया जाएगा और चारों ओर हरे पेड़ों का घेरा होगा। इसमें पेड़ों की 4 लेयर होंगी, जिसमें आगे कदम के पेड़ लगाए जाएंगे। पुरानी मान्यता के अनुसार जो लाठी गंगा जी में गुम हुई थी, वो लाठी इस जोहड़ में मिली थी, इसलिए इस जोहड़ को लठियावाला जोहड़ कहा जाता है। इस जोहड़ के चारों तरफ दीवार और एक पगडंडी बनाई जाएगी, जिसमें फलदार पौधे और छायादार वृक्ष भी लगाए जाएंगे, ताकि गर्मी के मौसम में लोग यहां विश्राम कर सकें। ये 100 वर्षों से भी ऊपर हमने लोगों को यहां पर आते जाते देखते हुए इसमें साल में एक बार होते हैं, जिसमें 10,000 के करीब महिलाएँ प्रतिवर्ष आते हैं स्नान करते हैं। उसका सौंदर्यकरण करके और हम एक ऐसी मिसाल भिवानी शहर को देंगे कि भाई जब सब भाई मिलकर काम कर रहे हैं तो इस काम में बड़ा फायदा होने वाला है।
भिवानी में जहां चारों तरफ डेंगू बुखार ने पांव पसार रखे हैं, वहीं सिविल सर्जन डॉक्टर जितेंद्र काद्यान ने शहर में फैल रहे डेंगू व मलेरिया की स्थिति को कंट्रोल में बताया है। उनका कहना था कि स्वास्थ्य विभाग ने डेंगू व मलेरिया की रोकथाम के लिए अलग अलग टीम्स बना रखी हैं और प्रत्येक कॉलोनी में फॉगिंग भी लगातार करवाई जा रही है। सिविल सर्जन डॉक्टर जितेंद्र काद्यान ने शहर में फैल रहे डेंगू मलेरिया को लेकर शहर वासियों को जागरूक किया और उन्हें एहतियात बरतने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि जन स्वास्थ्य विभाग डेंगू मलेरिया के लिए सभी प्रयास कर रहा है और डेंगू मलेरिया को रोकने के लिए अनेक टीम भी बनाई गई है। जिन कॉलोनियों में डेंगू मलेरिया के केस पाए जाते हैं वे जन स्वास्थ्य विभाग से संपर्क कर सकते हैं। स्वास्थ्य विभाग द्वारा कॉलोनियों में फॉगिंग भी कराई जा रही है। उन्होंने कहा कि जिले में डेंगू की स्थिति कंट्रोल में है। अब तक 1338 लोगों का टेस्ट हुआ है, जिसमें से 17 लोग पॉजिटिव मिले हैं और जो कुछ जिले से बाहर से हैं उन्हें वहीं ट्रांसफर कर दिया गया है। उन्होंने ये भी बताया कि घर घर जाकर टीम लार्वा चेक करने के लिए भी बनाई हुई है। उन्होंने जिले वासियों से अपील की अपने आसपास सफाई का ध्यान रखें और गंदगी इकट्ठा न होने दें। अभी जैसे आपको पता होगा कि डेंगू के केसेस चल रहे हैं हमारे भिवानी में। अभी तक हमने टोटल 1338 स्लाइड बना के देखे हैं, जिसमें से टोटल भिवानी में हमारे 17 केसेस पॉजिटिव आए, 17, और इसमें टोटल थे जो आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट के भी आए हैं जो हमने बाहर भेज दिए, वो 9 केस थे। तो टोटल अभी तक जो निकले थे टोटल 25 केस आए हैं, जिसमें से 17 भिवानी के और बाकी आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट के। टोटल अभी तक हमने 90,000 के करीब भिवानी में स्लाइडें बनाई हैं, जिसमें से एक मलेरिया पॉजिटिव केसेस भी आए। तो इस एक्टिविटी को देखते हुए हम घर घर जाके अभी थोड़ा सा कोरोना की वजह से हमारे वर्कर कोरोना में भी लगे हुए थे, लेकिन अब लार्वा सर्वे के लिए एक्टिविटी चल रही है। जहाँ पॉजिटिव केस आता है उसमें हम स्प्रे भी करवाते हैं। तो ओवरऑल कुल मिला के थोड़े से केसेस आए थे, पर इतने ज़्यादा भी नहीं है, सिचुएशन अंडर कंट्रोल है। साफ़ सफाई का ध्यान रखें, पानी इकट्ठा ना होने दें। साफ़ पानी कूलर में है या वैसे किसी भी चीज़ में छोटे गमले में है, पानी ना हुए लार्वा ना हुए, तो यही मेन एक बचाव का उपाय है। भिवानी की जनता पिछले 3 दिनों से NOC हाउस टैक्स व नक्शा पास करवाने के लिए नगर परिषद के केवल चक्कर ही लगा रही है। यहाँ नेट का सर्वर ठप हो जाने के कारण सभी तरह के कार्य ठप पड़े हैं और किसी भी तरह की ID जनरेट नहीं हो पा रही है। वहीं ऑनलाइन कार्य न होने से जन्म व मृत्यु प्रमाण पत्र भी नहीं बन पा रहे हैं। नगर परिषद भिवानी में सर्वर ठप होने से परेशानियां आ रही हैं, जिससे कि आम जनता बहुत परेशान है। पिछले एक सप्ताह से NOC, हाउस टैक्स, नक्शा पास कराने जैसे सभी ऑनलाइन काम बंद पड़े हैं। नगर परिषद की ID जनरेट न होने से जमीन के रिकॉर्ड से संबंधित सभी कार्य बंद है। नगर परिषद में जहां नागरिकों के मकान और प्रतिष्ठानों का रिकॉर्ड दर्ज नहीं हो पा रहा, वहीं हाउस टैक्स भी जमा नहीं हो पा रहे। साथ ही नागरिकों को NOC जारी नहीं हो सकती, जिसके कारण लोग तहसील कार्यालय में रजिस्ट्री नहीं करा पा रहे। इतना ही नहीं, जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र से संबंधित ऑनलाइन कार्य भी नहीं हो रहे हैं। सर, आपका नाम? मेरा नाम विजय कुमार है जी। मैं यहाँ कमेटी के अंदर अपनी प्रॉपर्टी ID बनवाने के लिए आया हुआ था, जो पिछले काफ़ी दिन से मैं यहाँ चक्कर काट रहा हूँ, लेकिन कोई समाधान नहीं निकल पा रहा है। जब भी यहाँ आते हैं तो बोलते हैं कि कंपनी की तरफ से सर्वर बंद है, और जिन बंदों का यहाँ पे प्रॉपर्टी ID बन भी गया उनकी भी रजिस्ट्री नहीं हो पा रही सर्वर बंद होने की वजह से। पहले ये कहते थे घंटा आधा घंटा चलती है, अब वो भी नहीं चल रही, क्योंकि भाई साहब बहुत दिक्कत हुई है। अगर इसका कुछ समाधान हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। ID कटवाने का आपको क्या दिक्कत आ रही है? दिक्कत तो यह है, सका देने का परसों आइए, फिर परसों आओ तो नुका परसों आइए। कितने दिन से घूमा आपको परेशानी है? 2 हफ्ते सारे अधिकारी तो नुए का साइड कौन चाल रही परसों आइए, साइड कौन चाल रही परसों। समस्या ये है कि मेरे को जाना ऑस्ट्रेलिया पढ़ने के लिए, लोन करवाया बैंक से 20 लाख का, लेकिन उसकी म्यूटेशन जमा करनी है। अब ये कह रहे हैं कि इन्होंने ऑनलाइन सिस्टम कर दिया है, ऑनलाइन ये फीस जमा नहीं कर रहे, ऑफलाइन तब तक नहीं कर रहे काम, कि भाई जब तक ऑनलाइन शुरू हो गया हम काम नहीं करेंगे, लेकिन जब तक ऑनलाइन नहीं शुरू हुआ तुम्हें नहीं पता प्रोसेस, तो पूछ लो चंडीगढ़ फ़ोन करके। कह रहे हमने फ़ोन कर दिया, वो जब आएगा आएगा फ़ोन, अगर अगला फ़ोन करे 6 महीने में, लेकिन ये मतलब उस बात पर कोई एक्शन ले रहे। अब ऑनलाइन इन्होंने नहीं आता काम करना तो ऑफलाइन शुरू करो ना। अगर ऑनलाइन अभी तक इन्होंने प्रोसीजर का नहीं पता, ये स्टेप बाई स्टेप चलना है, नहीं पता, तब तक ऑफलाइन पब्लिक को बैठा कर रखोगे क्या? ऑफलाइन करो काम तब तक, लेकिन कर नहीं रहे अधिकारी तो एक ये खिड़की है इसमें, पहले उससे पूछ लो, वो कहता है उससे पूछ लो, बस यही काम है मेरा। तो यहाँ पिछले 1.5 महीने में भाई साहब मेरे को ये पता लग गया कि यहाँ शॉर्टकट के बगैर काम नहीं होता, या तो रिश्तेदारी ले गया हो, कोई जान पहचान हो, उसके अलावा यहाँ कमेटी में कोई माई का लाल काम करके दिखा दो।
और भवन और प्रतिष्ठानों के नक्शों की फाइल भी नगर परिषद अधिकारी पास नहीं कर सक रहे हैं। इस बारे में जब नगर परिषद अधिकारी से बात की गई तो उन्होंने कहा कि पिछले 3 दिन से पूरे हरियाणा में ही ये समस्या आ रही है और साइट स्लो होने की बात भी उन्होंने कही। उन्होंने इस सर्वर की वजह से हो रही परेशानी से हेड ऑफिस को अवगत कराए जाने की बात कहते हुए शाम तक इसके ठीक होने की संभावना भी जताई। मैं संजय यादव, कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद भिवानी। मुझे लगातार हरियाणा सरकार द्वारा अर्बन लोकल विडो जो सर्वर चलाए गए हैं, जिसमें प्रॉपर्टी टैक्स है, ऑनलाइन मैप्स की एप्लीकेशन है, स्वच्छता ऐप चलाया हुआ है, माननीय मंत्री जी चले गया था, ये भी नए नए चले हैं। अभी पूरे हरियाणा के अंदर इस बारे में काफ़ी शिकायतें आ रही हैं कि सर्वर अपलोड चल रहे हैं तो 3 दिन से साइट लगातार स्लो चल रही है। तो आज लगभग पूरा प्रयास रहेगा कि आज शाम तक साइट पूरे हरियाणा में चालू कर दी जाएंगी और हमने भी 2-3 बार हेड ऑफिस बात कर लिया, शाम तक साइट चलवा दी जाएगी। लंबे समय से चल रहे पीटीआई आंदोलन में राहत भरी खबर आई है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल द्वारा दिए गए आश्वासन के बाद भिवानी जिले के बर्खास्त पीटीआई प्रधान दिलबाग सिंह का कहना था कि मुख्यमंत्री के पॉजिटिव रेस्पॉन्स के बाद उन्हें पूरा पूरा विश्वास है कि उन्हें जल्द ही न्याय मिल जाएगा। भिवानी जिले के बर्खास्त पीटीआई प्रधान ने बताया कि मुख्यमंत्री ने बड़ा ही पॉजिटिव रिस्पॉन्स देते हुए उनकी बात पर उन्हें जल्द विभाग में एडजस्ट करने की बात कही है। सीएम साहब के आश्वासन के बाद बर्खास्त पीटीआई में खुशी की लहर है और लगभग 1 सप्ताह के अंदर ही इन्हें विभाग में लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि उनका धरना अभी समाप्त नहीं हुआ है, जैसे ही सरकार अपने आश्वासन पर अमल करती है और वह सरकार का धन्यवाद करेंगे। मीटिंग में हमारे डेलीगेट पीटीआई का रस्सा भी और मुख्यमंत्री के साथ गुलर जी, कृष्ण बेदी जी और सौमवीर सांगवान जी साथ में थे। बड़ी पॉजिटिव बात रही है, सीएम साहब ने बढ़िया आश्वासन दिया है और उम्मीद खासी पीटीआई का रास्ता जल्दी ही 1 सप्ताह के अंदर निकाल लिया जाएगा। तो हम लगातार अपनी जायद मांग के लिए जो है सरकार से बातें करते रहे हैं और सरकार को हमने बताने में हम कामयाब हुए हैं कि हम निर्दोष हैं और सरकार ने हमारी बात को सुना भी है, क्योंकि उन्होंने पहले तो ये सोचा था कि भाई ये गलत भर्ती हुए हैं, लेकिन जब हमने अपनी बात रखी सरकार के सामने और आम पब्लिक के सामने तो हम अपने जो निर्दोष थे वो हम साबित करने में कामयाब हुए। तोशाम बाईपास क्षेत्र में बहने वाले बरसाती नाले की हालत बद से बदतर हो चली है। इस नाले में कूड़ा करकट इस कदर जमा हो चुका है कि आसपास के क्षेत्र में रहने वाले लोगों का जीना दूभर हो गया है। इससे फैलने वाली बदबू और बीमारियों से प्रशासन को कई बार अवगत करवाया जा चुका है, लेकिन स्थिति ज्यों की त्यों बनी हुई है। तो शाम बाईपास पर बरसाती नाले की हालत खस्ता हो चुकी है। डेंगू मलेरिया महामारी के प्रकोप के दौरान बरसाती नाले की खस्ता हालत का होना मानव क्षेत्र में महामारी को जन्म देना है। क्षेत्रवासियों ने कहा कि बरसाती नाले की दयनीय हालत होने की वजह से क्षेत्र में महामारी फैलने का पूरा पूरा खतरा है, जिसको लेकर उन्होंने जिला प्रशासन को बार बार गुहार भी लगाई है, लेकिन इस पर कोई अमल नहीं किया जा रहा। उन्होंने कहा कि बरसाती नाले के ढक्कन टूटने की वजह से कई बार उनके बच्चे नाले में गिर जाते हैं और जिससे कोई बड़ा हादसा होने की संभावना हमेशा ही बनी रहती है। उनकी जिला प्रशासन से मांग है कि जल्द से जल्द इस बरसाती नाले को ठीक कराया जाए ताकि कॉलोनी में किसी तरह की महामारी ना फैले। आटम मार्केट किसान बाईपास से की मेरी दुकान है, नाले की समस्या है, कई दिन से कई बार कंप्लेन कर ली, कोई समाधान को नहीं हो रहा। जन सेवा विद्या विहार स्कूल के जो पीछे सताई निवासी हूँ, जन सेवा भिवानी अंचल के द्वारा जो ये टीवी स्क्रीन पे जो दिखा रखी है, एक तो ये मेन जो अनाज मंडी से तोशाम बाईपास में जो रास्ता आता है उसके बीच गैप के अंदर काफ़ी गड्ढा है और गड्ढा होने की वजह से ये व्हीकल आया जाने में तकलीफ होती है और किसी अप्रिय घटना होने का अंदेशा है। और जो तोशाम बाईपास पे जो सड़क के तोशाम बाईपास के सड़क के बरसाती नाला जो लगाया हुआ है वो सारा हटा हुआ है और उसमें डस्टबिन बना रखे हैं, वो पानी की वजह से इसलिए गंदगी फैल रही है। 18 नंबर वार्ड से मेरा बेटा सचिन पार्षद है। अभी कुछ दिन पहले एक पोस्टर बनाया था, उसकी लैन तोशाम बाईपास से खोली गई थी। हमने प्रशासन को कई बार पुख्ता करवाया है कि ये खड़ा खुदा हुआ, ठेकेदार को भी कहा है, लेकिन ना प्रशासन ने ना ठेकेदार ने कोई शुद्ध नहीं की है। उसके अंदर गंदगी, मच्छर और कुछ इनार पड़ने का, गाय वगैरह पड़ने का काफ़ी भय।
ऑल इंडिया किसान खेत मजदूर संगठन के सदस्य बुधवार को स्थानीय कोट क्षेत्र में एकत्रित हुए और अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया। उनका कहना था कि कपास की खरीद छोटी मंडियों में भी करवाई जाए ताकि किसानों के लिए पारित किए गए तीनों अध्यादेश तुरंत वापस लिए जा सके। ये किसान खेत मजदूर संगठन, आपकी क्या मांगे हैं? जो सरकार ने तीन विधेयक पास किए, पहले राष्ट्रपति के द्वारा अध्यादेश और फिर इन्होंने जून में अध्यादेश जारी करके तीन कानून ऐसे पास कर दिए। एक तो मंडी कानून था, जैसे वो तोड़ दिया गया, और इसी तरह इसके बाद दूसरा कानून इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट खेती, और तीसरा कानून इन्होंने स्टोर के कोई भी कर सकता है फसल को स्टोर करने का, जब किसान तो स्टोर कर ही नहीं सकता। यानी ऐसे कानून लागू कर दिए जिनको किसान ने मांग नहीं की थी। कोरोना का काल चल रहा था, ऐसे टाइम में जबकि किसान बहुत पहले स्वामीनाथन आयोग की मांग कर रहा था। आज किसानों की फसलों के लिए मंडी भी है और मैक्सिमम सेलिंग प्राइस भी है, यह कहना था कृषि मंत्री जेपी दलाल का। उन्होंने कहा कि किसी न किसी बहाने कांग्रेस नेता एकजुट होकर कोशिश कर रहे हैं कि सरकार को बदनाम किया जाए, जिसके चलते उन्हें आंदोलनों के सिवाय कुछ भी नहीं सोचता। मीडिया से रूबरू होते हुए उन्होंने अनेक मुद्दों पर सरकार की उपलब्धियों को गिनवाया। आपको बता दें कि कृषि मंत्री जेपी दलाल अपने आवास पर जनता दरबार लगाए हुए थे। इस दौरान उन्होंने किसानों, आढ़तियों और अन्य लोगों की समस्याएं सुनी। इस दौरान बर्खास्त पीटीआई टीचरों ने भी सीएम मनोहर लाल द्वारा नौकरी की बहाली के आश्वासन पर कृषि मंत्री का आभार जताया। कृषि मंत्री ने एक सवाल के जवाब में कहा कि वह तो शुद्ध रूप से किसान है, चाहे कोई कुछ भी कहे इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो खुद खेती करते हैं। ऐसे बयान देने वाले नेताओं को उन्होंने खुले मंच पर आमंत्रित किया और इस विषय पर विचार करने की बात भी कही। कृषि मंत्री मीडिया से रूबरू होते उन्होंने कहा कि आज मंडियों में खरीद सुचारू रूप से हो रही है और किसान खुश हैं। जेपी दलाल ने कहा कि खरीद के दौरान सॉफ्टवेयर को लेकर जो समस्या आ रही है उसको ठीक करने के निर्देश भी दे दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि आज मंडी भी है और एमएसपी भी है, लेकिन कांग्रेस सड़कों पर है। कोरोना का काल है, जिसने भी रजिस्ट्रेशन करवाया है एक एक किसान को हम बुलाएंगे। शुरुआत में थोड़ा सा मंडियों में थोड़े किसान बुलाए हैं, उसको बढ़ाते जाएंगे और जब तक खरीद चलेगी जब तक पूरे किसानों के नंबर नहीं आ जाता सभी की परचेज हम करेंगे। लेकिन ये मंडियों की व्यवस्था, भीड़ ना हो, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो, कोरोना ना फैले, इस वजह से शुरुआत में थोड़े किसान थे, धीरे धीरे करके इनकम बढ़ा के और सारे किसानों का बाजरा या धान या मूंग, और इस बार तो पहली बार जो है कपास की भी भारी मात्रा में हम यूज करने जा रहे हैं। सर, जो मूंग के लिए कॉरपोरेशन में थोड़ी थोड़ी दिक्कत कही गई थी, मुख्यमंत्री जी ने संज्ञान लिया है, अधिकारियों को बैठ के अब पोर्टल को मोटे तौर पर ठीक करवा दिया है और हमारा नियत किसी को परेशान करने के नहीं है। हमारी जो है कोशिश ये है कि हरियाणा के किसान की फसल हम खरीदें। एमएसपी जो है हमारी मंडियों में वो हरियाणा के किसान के लिए है, ना कि पड़ोसी राज्यों के किसान के लिए। बाकी जो एमएसपी से बाहर अनंत चीज़ें कोई भी आए कोई बेचे, लेकिन यहाँ की जो हरियाणा सरकार खरीदती है एमएसपी पे बाजरा और मूंग, वो हम अपने हरियाणा सरकार के पैसे से खरीदते हैं, तो उसका हम हरियाणा सरकार के किसानों को रोक के रखते हैं। उन्हीं के वहाँ पर भी ज़्यादा पंजाब का बॉर्डर है, तीनों तरफ सरसा, पंजाब से ही मुझे समाचार मिला था कि पंजाब से ही ज़्यादा लोग आए हुए हैं, और पंजाब का जो आंदोलन है वो कांग्रेस पार्टी का भी उसको समर्थन है, सरकार भी चाहती है कि आंदोलन फैले। और ये दुर्भाग्य है देश में कि चुनी हुई सरकार जो और तरीके से अपनी मांग रख सकती है वो अपने लोगों को, अपनी पार्टी को रेलवे ट्रैक पर बैठाए, वो तरीका उचित नहीं। सर, विपक्ष के नेता इस पर आप क्या? ऐसा है, मैं तो शुद्ध रूप से किसान हूँ, सबसे ज़्यादा फसल पैदा करता हूँ और प्रगतिशील किसान हूँ, खेतीबाड़ी खुद करता हूँ, एक एक चीज़ की खेती का जानकारी है। कोई अगर कोई कहे मेरे से किसी विषय में भी चर्चा कर सकता है, पब्लिक बेंच पर करने को मैं तैयार हूँ और वो पब्लिक फैसला कर देगी
कि कौन किसान है, कौन खेती की बात करता है। देखिए ऐसा कुछ नहीं, सोशल मीडिया का ज़माना है। आजकल 5 आदमी 7 आदमी 10 आदमी विरोधी पक्ष के भी हो सकते हैं, अलग विचारधारा के भी हो सकते हैं। ये प्रचलन हो गया है कि अपनी आवाज़ को विरोध करके, बदतमीजी करके वो जाहिर करें, और ये एक अच्छी परंपरा नहीं है। 100 बटा 100 तो किसी भी विचारधारा से, किसी भी पार्टी से लोग जो है जुड़े हुए नहीं होते, लेकिन जो तरीका है कि कहीं किसान के नाम से कांग्रेसी आंदोलन करें, कभी पीटीआई के नाम से कोई कांग्रेसी भेज दें, कभी और किसी नाम से कांग्रेसी चले जाएं, कांग्रेस को पता लग गया है कि सीधी लड़ाई में वो भाजपा से नहीं जीत सकते, तो इस तरह से ये जो है छापामार लड़ाई वो शुरू कर रखी है। ऑल इंडिया यूनाइटेड ट्रेड यूनियन सेंट्रल जिला कमेटी भिवानी की ओर से स्थानीय लघु सचिवालय में धरना प्रदर्शन किया गया और अपनी मांगों को लेकर तहसीलदार भिवानी के माध्यम से एक मांग पत्र प्रधानमंत्री के नाम भेजा गया। उनका कहना था कि सभी मजदूर विरोधी और जन विरोधी कानून और नीतियों को तुरंत प्रभाव से वापस लिया जाए। खरीद सरकार छोटी मंडियों में नहीं कर रही, वो जल्दी से जल्दी कपास की खरीद शुरू करी जाए और किसानों को राहत दी जाए, सरकारी रेट के ऊपर सरकार कपास खरीदे, अन्यथा हम इसके खिलाफ भी बड़ा आंदोलन खड़ा करेंगे। और अब जाने से पहले एक नज़र आज की हेडलाइंस पर। बुधवार को 41 कोरोना पॉजिटिव हुए ठीक, आए 5 नए कोरोना पॉजिटिव। अब लठियावाला जोहड़ बनेगा आधुनिक धार्मिक स्थल, 1 करोड़ की लागत से दिया जाएगा इसे नया लुक। सिविल सर्जन ने शहरवासियों को किया जागरूक, जिले में कंट्रोल में है डेंगू और मलेरिया की स्थिति का सिविल सर्जन ने। नगर परिषद में सर्वर ठप होने से जनता हुई परेशान। बर्खास्त पीटीआई धरने में आया नया मोड़, मुख्यमंत्री द्वारा मामले में संज्ञान लिए जाने के बाद पीटीआई को दिखी राहत की नजर। तो शाम बाईपास बरसाती नाले की हालत खस्ता, दे रहा है बीमारियों को न्योता। और अब जाने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर।